तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी गणेश जी के लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, धनवंतरी जी की पूजा करते हैं और ढेर सारी मिठाइयां भी लाते हैं, तरह तरह की चीजें भी लाते हैं। तो उसके साथ हमें यमदेव का दीपक भी जलाना होता है। तो आइए हम देखते हैं हमें यमदेव का दीपक कैसे जलाना है। तो हमने एक ले लिया है मिट्टी का दिया, आप चाहें तो आटे का दिया भी बना सकते हैं। और मैंने इसके अंदर चार बत्तियां डाल दी हैं, आप लंबी लंबी बत्तियां बनाकर और उसको इस तरीके से रख देंगे क्रॉस में, तो भी चार बत्तियां बन जाएगी। हमने अलग अलग बनाई है, मैंने चार बत्ती डाल दी है इसके अंदर। और हमने डाला है सरसों का तेल, ये दीपक जो है सरसों के तेल में ही जलाया जाता है, तो हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। तो चलिए इसको कैसे जलाते हैं हम देख लेते हैं। हमने लिया है एक प्लेट, कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप, आपको जमीन में नीचे नहीं रखना है इस दियो को आप जब भी जलाएंगे। तो एक कोई बर्तन ले लें और इसके ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। हमने गेहूं का आटा लिया है और इससे स्वास्तिक बनाएंगे। हमने स्वास्तिक बना लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख देंगे, आप चाहे तो गेहूं भी रख सकते हैं। हमने चावल लिया है, इसे रख लेते हैं इसे, और अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी रख सकते हैं। चारों तरफ से हम फूल रख लेंगे और बीच में हम दीपक रखेंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ मिठाइयाँ रखेंगे, तो आप चाहें तो कोई मिठाई रख सकते हैं, लेकिन दीपावली में ये खील बतासा और गट्टा चढ़ता है, तो इसे हम रखेंगे मीठे में। आपके पास जो भी मिठाई है आप रख सकते हैं। तो हमने लिए हैं कुछ सिक्के, तो आपके घर में जितने सदस्य हैं उनके नाम से आप एक एक सिक्का रख सकते हैं, या फिर उनसे भी रखवा सकते हैं। जो भी स्त्री घर में है आपके, उन्हीं से ये काम करवाना है, उन्हीं से ये दीपक जलवाना है, तो आप इस सिक्कों को रख सकते हैं इसमें। और बाद में इस सिक्कों को हमें दान में दे देना है, इसको घर में वापस नहीं लाना है। तो इस दियो को हमें कब जलाना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इस दिए को हम जलाएंगे, सबसे पहले तो हमें इसको दक्षिण तरफ अपने घर के दरवाजे के दक्षिण दिशा में इस दीपक को जलाना है। जब घर में आपके घर के सारे सदस्य वापस आ जाएं, कोई भी बाहर ना हो, तब आप इस दीपक को जलाएंगे। चाहे रात में 11 बज जाए, 12 बज जाए, कितना भी टाइम हो जाए, जब सारे घर के लोग घर के अंदर आ जाएंगे तभी आपको ये दीपक जलाना है और इसे दक्षिण दिशा में रखना है। सारी चीजें चढ़ाने के बाद हम दीपक को जलाएंगे। कुछ लोग कौड़ी भी रखते हैं, जो सफेद रंग की कौड़ी आती है उसको भी चढ़ाते हैं, जैसे आपके यहाँ रिवाज हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए हम दीपक को जला लेते हैं। मैंने चारों दीपक को जला दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करना है यमदेव से कि हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर के सारे सदस्यों की रक्षा करें, हमेशा स्वस्थ रखें, सबको अकाल मृत्यु से बचाएं। यमदेव से हमें इस तरीके की प्रार्थना करनी है, उनसे हाथ जोड़कर विनती करनी है और हमारे घर में सुख समृद्धि आए, सदा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो इस दीपक को हम जला करके दक्षिण दिशा में रख देंगे और इस तरीके से हम सारी प्रार्थना यमदेव से कर लेंगे। फिर दीपक रखने के बाद हमें वापस घर की तरफ आना है, अपने घर के अंदर आना है। फिर इसे हमें मुड़ करके नहीं देखना है और सुबह तक इस दीपक को हमें जलने देना है। और कोई भी हमारे घर का सदस्य बाहर ना जाए जब ये दिया हम जला दें। तो मैंने जैसे पहले बताया कि हमको घर के दक्षिण दिशा में ही इस दीपक को रखना है। कुछ लोग तो कूड़े के ढेर के पास रखते हैं, कुछ लोग इसे चौराहे पर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में बिल्कुल दरवाजे पे नहीं रखना है, दक्षिण दिशा में थोड़ी सी बगल में ही हमें इसे रखना है, जहाँ साफ सुथरी जगह हो, गंदी जगह पर नहीं रखना है। और इस दिया को हमें सुबह तक बिल्कुल जलने देना है और सुबह इस दिए को हमें उठा लेना है, घर के अंदर नहीं लाना है और इसे हमें विसर्जित कर देना है। जहाँ पर भी आप विसर्जन करते हैं, नदी में या किसी भी स्थान पर, अच्छे स्थान पर उसे रख देना है। और ये सिक्का है इसे हमें हटा लेना है और किसी को दान में दे देना है। इन सारी चीजों को हमें अंदर नहीं लाना है। और ये जो मिठाइयाँ या मीठी चीज हमने इसको रखी है, इसे भी हमें बाहर ही रख देना है। चींटी या कोई जानवर खा लेगा तो सारी चीजों को हमें बाहर से अंदर नहीं लाना है। तो इस तरीके से हमें यम का दीपक जलाना है और उनसे प्रार्थना करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। तो कुछ लोग इस दिए को धनतेरस दिन जलाते हैं, कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन जलाते हैं और कुछ लोग 5 दिन जलाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी रिवाज है उस तरीके से आप इस दीपक को जला सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।